जीवन घर दोस्तों, ये है डायनासोर पार्क। कितनी खतरनाक आवाज आ रही, देखिए इसको फ्रेंच पार्क भी बोलते हैं। इतने बड़े बड़े डायनासोर आज तक आपने इंडिया में कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे कि इतने बड़े बड़े डायनासोर भी हो सकते हैं आसमान को छूते हुए। ये देखिए डायनासोर की गर्दन तक तो मेरा कैमरा नहीं पहुंच पा रहा। तो हम डायनासोर पार्क से निकलते हुए दूसरे पार्क में एंट्री करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? मेरा यूट्यूब चैनल है ऋषि जैन। नाइन टू वन फोर जीरो सिक्स फाइव वन सिक्स फाइव मेरा नंबर। आप ज़्यादा बताना चाहेंगे वीडियोस के लिए थोड़ी ज़्यादा जानकारी दीजिए, कैसे लगी आपको। कैसा लगा आपको? देखिए कैमल, कितने खूबसूरत कैमल खड़े हैं। बताइए कि अपने इंडिया में कौन सा ऐसा खूबसूरत पार्क है या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा खूबसूरत पार्क आप बनाना चाहेंगे। ऐसा कोई भी एनिमल यहाँ पर नहीं है जिसको यहाँ पर चित्रकारी के माध्यम से न दर्शाए गए हों। बहुत ही खूबसूरत और पर्यटन के हिसाब से इतनी खूबसूरती यहाँ पर दिखाई जाती है। टूरिस्ट लोगों का इतना ध्यान रखा जाता है, बे इंतहा। देखिए आप, एक और गार्डन वैली आपको दिखाने लाए। इतना मेंटेन गार्डन, इतनी मेंटेन नर्सरी आपने आज तक नहीं देखी होगी, जहाँ पर एक एक खराब पत्ते को डेली हटाया जाता है। यानी एक भी इन पूरे गमलों के अंदर एक भी आपको खराब पत्ता नहीं दिखेगा और एक भी ऐसा पौधा नहीं होगा, एक भी ऐसा पौधा नहीं होगा जिस पर एक धूल आपको दिख जाए, क्योंकि इनकी नियमित रूप से दिन में दो से तीन बार धुलाई होती है। गजब की सफाई, गजब का मेंटेनेंस, काबिले तारीफ। जितनी तारीफ करें थाई लोगों की उतनी कम है। यहाँ के लोग काम की पूजा करते हैं लोग। देखिए गमले, एक भी गमले में आपको कोई भी गलत पौधा, खराब पौधा, जंगली घास नजर नहीं आएगी। और सफाई कितनी है,
दोस्तों, और भी ज़्यादा खूबसूरत वीडियो चाहते हैं आप फ्यूचर में हमारे द्वारा इस दुनिया की हर कंट्री की, इस दुनिया के बहुत खूबसूरत मंदिरों की, इस दुनिया के बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट की जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल 9214065165 को सब्सक्राइब करना। देखिए हॉलीवुड रियल मैनेजमेंट है, क्या खूबसूरत गाड़ी है, गजब, कैसा लग रहा है दोस्तों बताइए ना आप, प्लीज़ बताइए YouTube चैनल पर लाइक करके कि आपको कैसा लगा। मेरा मोबाइल नंबर 9214065165 पर भी बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी और आप क्या फ्री में बैंकॉक आना चाहते हैं बिना कुछ खर्च किए। तो आपको हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जोड़ेंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे आपको कि आप जब चाहे बैंकॉक आ सकते हैं। दोस्तों जो ऊपर पानी दिख रहे ना गमले आप ऊपर जाल से लटकते हो, इनकी भी धुलाई रेगुलर की जाती है, दिन में दो तो तीन तीन बार धुलाई की जाती है, दिन में तीन तीन बार पानी दिया जाता है, इसलिए गमले ख़राब नहीं होते, इसलिए इनकी एक भी पत्ती जलती नहीं है। नहीं तो धूप तो दोस्तों जितनी इंडिया में पड़ती है उतनी धूप यहाँ पर भी पड़ती है। देखिए एनुअल फ्लावर नर्सरी, दोस्तों सबसे बड़ी बात यही कि इतने ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस होने के साथ साथ रीज़नेबल बहुत है, चीपेस्ट बहुत है, टूरिस्ट के साथ उसके पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, यहाँ पर लूटा नहीं जाता टूरिस्ट। आज जो मैंने चार चार इम्पोर्टेड पक्षियों को अपने कंधों पर, हाथों में, सर पर रख करके जो फ़ोटो खिंचवाई दोस्तों, उससे सिर्फ 50 बात मैंने दिए, मतलब 125 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। दोस्तों गारंटी, अगर यही हम किसी और कंट्री में खिंचवाते फ़ोटो तो इसके कम से कम 1000 रुपये लगते जो फ़ोटो हमारी खींची, और यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल चार्ज। आज जिस गाड़ी में हम घूम रहे हैं, जहाँ पर हमको 11 पार्क दिखाए जा रहे हैं, 11 खूबसूरत जगह दिखाई जा रही है, प्लेसेस दिखाए जा रहे हैं, इन 11 पार्क को दिखाने के सिर्फ हमसे 200 बात लिए गए, मतलब 500 रुपये मान लीजिए एवरेज। दोस्तों 500 रुपये में इतनी प्रीमियम गाड़ी में घुमाना और 10-10 गाड़ियाँ घुमाना और 2 से 2.5 घंटे घुमाना नामुमकिन है दोस्तों किसी भी कंट्री में। ये केवल थाईलैंड के लोगों का अपनापन है, लोगों का प्रेम है, लोगों का डिवोशन है कि टूरिस्ट के प्रति इतना जबरदस्त लगा। लंबे लंबे सांसें ले लो, कर लो, क्या दोस्तों आ गए हम वापस अपने गार्डन के अंदर, कौन सा ही गार्डन, देखिए गार्डन की कैसे धुलाई हो रही है, जो मैंने आपको बताया था पेड़ पौधों की ऐसे धुलाई होती है डेली, हर 3-4 घंटे में एक बार। दोनों ये
देखिए अभी निर्माण चल रहा है यहाँ पर बहुत जबरदस्त। ओहो क्रेन देखिए आप, क्रेन कितनी बड़ी क्रेन है दोस्तों। हम लोग अपनी मंजिल पर आ चुके हैं दोस्तों, धन्यवाद।